ग्वालियर जिले का सुपर डीलर बनाने का झांसा देकर एक कंपनी के दो डायरेक्टरों को ने जो है एक कारोबारी को 10 लाख की चपत लगा दी। जी हाँ, घटना का पता उस समय चला जब एग्रीमेंट के बाद वेयर हाउस किराए पर लिया और 4 माह तक किराया जमा कराने के बाद भी माल नहीं आया तो व्यवसायियों ने जो है माल भेजने के लिए दबाव बनाया, लेकिन दोनों डायरेक्टर आजकल कहकर तरकाते रहे कि ठगी का शिकार पीड़ित थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। जो है पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर नगर निवासी संदीप मिठास पुत्र सुशील मिठास पेशे से एक कारोबारी है और उनकी ठाटीपुर में SSK इंटरप्राइजेस का संचालन करते हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने एक विज्ञापन GGJ सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा का देखा है, जिसमें जिले का सुपर डीलर बनाने की जानकारी थी। जब उन्होंने विज्ञापन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क किया तो कंपनी के डायरेक्टर संजय सिन्हा व योगराज शर्मा से बातचीत हुई और बातचीत तय होने पर 20 लाख रुपए सुपर डीलर बनाने के लिए सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए कहा तो संदीप ने 1-7 रुपए जमा न कराने की बात कही। कारोबारी संदीप मिठास के द्वारा 2 किश्तों में रुपए जमा कराने की कहने पर संजय व योगराज तैयार हो गए और इस पर संदीप ने 10 लाख रुपए में कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद सामान रखने के लिए एक वेयर हाउस 9,000 रुपए प्रति माह के किराए पर ले लिया, लेकिन एग्रीमेंट के 4 महीने तक इंतजार करने के बाद भी उनके पास कंपनी ने माल नहीं भेजा और जब उन्होंने संपर्क किया तो आजकल के कहकर टालते रहे। जब भी वह माल के लिए दबाव बनाते वह उन्हें जल्द ही माल भेजने का आश्वासन देते। जब उन्हें माल नहीं मिला तो मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है।